चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से भी 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली। 25 मार्च 2024 के दिन लग रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। भूल कर भी नहीं करें यह 5 काम, नहीं तो भागे भागे फिरोगे। अगर चंद्र ग्रहण के दिन कर दी यह छोटी सी गलती तो जिंदगी भर पछताओगे। और इसी के साथ 100 सालों के बाद इस बार के चंद्र ग्रहण में 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे चंद्र ग्रहण का महत्व कई गुना तक बढ़ चुका है। कई राशियों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा सौभाग्यशाली रहेगा तो कुछ राशि वाले लोगों की परेशानी को बढ़ा सकता है। और साथ ही जानेंगे चंद्र ग्रहण के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के ऊपर भी, जिनको अगर आपने ग्रहण के दिन कर लिया तो आपको अमीर बनने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। धन की देवी माता लक्ष्मी जी खींची हुई आपके घर चली आएगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण और काम के अपडेट। ऐसे में भूल से भी इस वीडियो को बीच में बंद कर देने की गलती मत करिएगा। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी शिव भक्तों तक यह काम की जानकारी का अपडेट पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री पार्वती पतये नमः। मित्रों, मार्च 2024 का महीना शुरू हो चुका है। मार्च के महीने में कई व्रत और त्योहार पड़ने वाली हैं और साथ ही मार्च में ही लगने वाला है इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। और यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च यानी कि होली के दिन पड़ रहा है। 100 सालों के बाद ऐसा महायोग बन रहा है कि इस बार होली का त्योहार और चंद्र ग्रहण दोनों ही एक दिन पड़ रहे हैं, इसलिए होली के त्योहार पर भी चंद्र ग्रहण का साया बना रहेगा। चंद्र ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ घटना मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण से नेगेटिविटी बढ़ती है, नकारात्मकता आती है, इसलिए ग्रहण का शुभ और अशुभ प्रभाव भी सभी 12 राशियों पर पड़ता है। किसी राशि पर इसका प्रभाव अच्छा रहता है तो किसी राशि पर बुरा। वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है कि आपकी राशि कौन सी है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा ताकि हमारे गुरुजी रिप्लाई में आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। मित्रों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 की सुबह में 10:41 से शुरू होगा जो कि दोपहर को लगभग 3:01 तक रहेगा। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर सहित कई क्षेत्रों में नजर आएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। 5 ऐसे काम है जिनको भूल कर भी ग्रहण वाले दिन मत कर लीजिएगा। और साथ ही 3 ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, व्यापार में धन की आवक को बढ़ाना चाहते हैं या आप अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो 3 ऐसे अखंड उपाय जिनको अगर आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो जीवन में अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं इस साल का पहला चंद्र ग्रहण किन किन राशियों के भाग्य को उदय करने वाला है, किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गे से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, मकर राशि वाले लोगों के लिए साल का पहला चंद्र ग्रहण करियर और कारोबार के हिसाब से काफी अच्छा और शुभ साबित होगा, क्योंकि एक तो ये ग्रहण आपकी गोचर कुंडली के 10वें स्थान पर लग रहा है, इसलिए जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, उन लोगों को अपने जूनियर और सीनियर दोनों का ही साथ मिलेगा। इसी महीने मार्च में ही आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा। लंबे समय से अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं या किसी अच्छी जगह पर नौकरी के बारे में आप प्रयास कर रहे हैं तो साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। 25 मार्च के बाद मनपसंद जगह पर आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही लंबे समय से अगर आपका कोई भी सरकारी योजना का काम अटका हुआ था तो वो पूर्ण होगा।
चंद्र ग्रहण के प्रभाव से व्यापार में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। घर खर्च में कुछ कमी आएगी और इनकम के नए नए मार्ग बनेंगे। जो भी व्यक्ति कारोबारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, साल के इस पहले चंद्र ग्रहण के बाद व्यापार में आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा। धन की बचत होगी और इस बार आप अपने व्यापार का विस्तार भी कर पाएंगे। व्यापार में आपको नए नए ऑर्डर मिलने शुरू होंगे और साथ ही अगर आप कोई भी पुराने से पुराने कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक से लोन ले रखा हो या आपने अपने रिश्तेदारों से जान पहचान वालों से पैसे उधार ले रखे हो, इस साल 2024 में चंद्र ग्रहण के बाद से ही कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में, और साथ ही चंद्र ग्रहण के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय जिससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो सके उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, पति पत्नी के बीच लगातार अनबन रहती है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं पर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का रिश्ता होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चलती है। 7.5 की वजह से पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में परेशानियां कठिनाइयां बनी हुई है, स्पेशली आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, धन की कमी या आर्थिक तंगी का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन इस बार साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है 25 मार्च के दिन, यह चंद्र ग्रहण आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है। एक तो ग्रहण के बाद से ही आपका भाग्य उदय होगा, साथ ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, वहीं आपको डर से भी छुटकारा मिलेगा, किसी यात्रा पर जाने के लाभ के योग बनेंगे, आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे, आपके इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, अगर आप कोई भी नया कामकाज शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आप
लोगों के लिए अनुकूल बना हुआ है। अगर आप किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान है तो आपको उससे राहत मिलेगी। इस समय शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी में आपको धन का लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए साल 2024 का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये अच्छी खबर लेकर आएगा। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। एक तो इस ग्रहण के बाद आपकी किस्मत चमकने लगेगी। अगर आप कारोबारी है, व्यापारी है, तो व्यापार में आपको लाभ के योग बनेंगे। आपकी इनकम में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य पहले की तुलना में सुधार रहेगा। अगर आप किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको बड़ी राहत मिल सकती है। उसके अलावा माता पिता या परिवार में आपका जो संबंध है वो मजबूत बनेगी, परिवार में खुशी आएगी। साथ ही मार्च के बाद आपको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। यह चंद्र ग्रहण आपके जीवन में खुशियों के नए दरवाजे लेकर आ रहा है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे और आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी के साथ सच्चा प्रेम करते हैं और आप उसके प्रति वफादार है तो इसी साल 2024 में चंद्र ग्रहण के बाद आप विवाह के लिए उसे प्रपोज कर सकते हैं और हो सकता है कि आपका प्रस्ताव मंजूर भी हो जाए। इसी साल आपके विवाह के योग भी बनेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे काम है जो कि चंद्र ग्रहण के दिन आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। उसके बाद लाल किताब में बताए गए कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण इस बार 10:30 बजे से शुरू हो रहा है और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में सूतक काल शुरू होते ही आपको पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं तोड़ना है, घर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति को या तस्वीर को स्पर्श नहीं करना है और साथ ही चंद्र ग्रहण की जो घटना है वो हमेशा नेगेटिव घटना मानी जाती है। ऐसे में सूतक काल शुरू होते ही मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं। ग्रहण काल के दौरान भोजन करने की भी मनाई होती है। हालांकि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रोगी हैं, उनको थोड़ी छूट मिल जाती है। ग्रहण काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आपको यात्राओं पर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएं। और जो स्पेशली गर्भवती माताएं बहनें अगर आपके घर में हैं तो ग्रहण काल के दौरान वो घर से बाहर नहीं निकले, नहीं तो ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है, वो आपके ऊपर पड़ सकता है। 10:23 से ग्रहण शुरू होगा जो कि दोपहर में 3:02 तक रहेगा। ऐसे में इस समय तो भूल कर भी गर्भवती माताएं बहने ग्रहण से बाहर नहीं निकले। अगर निकलना बहुत ही जरूरी है, आपका जाना अनिवार्य है, तो आप अपने साथ में एक नारियल रख कर जा सकती है ताकि ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसकी छाया आप पर नहीं पड़ सके। उसके अलावा ग्रहण जैसे खत्म हो जाए सबसे पहले तो नहा धोकर तैयार हो जाएं और अपने घर में या तो नमक के पानी का पोछा लगाएं या गंगा जल का छिड़काव करें। और साथ ही ग्रहण काल के दौरान दान पुण्य करने का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, आप ग्रहण काल के दौरान गौ माता को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना खिलाएं या फिर कुत्ते को रोटी खिलाएं। कुल मिलाकर अन्न का दान करना सबसे बड़ा महादान माना गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रहण काल के दौरान धनवान बनने का क्या उपाय है। लाल किताब के अनुसार एक ऐसा टोटका जिसको अगर आपने ग्रहण काल के दौरान कर लिया तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और साथ ही जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो और आप चाहें कि माता लक्ष्मी जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और आर्थिक स्थिति समृद्ध बने तो आपको क्या करना है, एक चांदी का टुकड़ा लेना है। आप चांदी की अंगूठी ले सकते हैं, चांदी की पायल ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, चांदी की कोई भी एक वस्तु। तो आपको क्या करना है, उस चांदी के टुकड़े को दूध और गंगा जल में मिलाकर चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया में रख दे। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अगले दिन इस टुकड़े को उठा ले और इसे अपने धन रखने की तिजोरी में रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा सदा के लिए आपके ऊपर बना रहता है। मित्रों, ये तो लाल किताब में बनाए गए उपाय है। अगर किसी ने कर लिया तो जीवन माला माल हो गया, जीवन धन्य हो गया। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे उपाय से कुछ नहीं होता है और फिर वही समस्याओं के परेशानी भरे भंवर जाल में फंसते चले जाते हैं। कमाते 10,000 है, महीने का खर्चा 15,000-14,000 हो जाता है। फिर बोलते हैं मेरे को तरक्की नहीं मिल रही है। अरे जीवन में सही समय पर सही उपाय किया कि आपने अपने ग्रहों को पहचाना क्या, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कमजोर है, आपका जन्म हुआ उस समय नक्षत्र क्या था, उस नक्षत्र का फल क्या कहता है, उसके बारे में जान लीजिए, पहचान लीजिए। जिसने अपने जन्म कुंडली को पहचान लिया उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी ठोकरें नहीं खानी पड़ती। सफलता प्राप्त होने में उसे ज्यादा दिन देर नहीं लगती।
ऐसे में कुछ उपाय है जो अगर आपके बड़े बुजुर्गों ने बताए हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा सुझाए गए हैं, उन उपाय को करने से कभी नुकसान नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चांदी का टुकड़ा आप मुझे दीजिए, वो चांदी के टुकड़े का उपाय करके आप उसे अपने ही घर में तिजोरी में इसकी स्थापना कीजिए। अगर आप करोगे तो आपका भला है, नहीं करोगे तो भी आपका ही भला है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री।